तो अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर हमलों के बीच पायलट को पार्टी में वापस लाने की कोशिश भी हो रही है। कैसे हो सकती है पायलट की वापसी और कौन करा रहा है ये कोशिश, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में सियासी संकट अभी भी जारी है। हालांकि सरकार फिलहाल सेफ जोन में नजर आ रही है, लेकिन एक तरफ विपक्ष फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बार पलटवार के बीच सचिन पायलट, जो इस विवाद के केंद्र में है, उनकी पार्टी में वापसी की कोशिशें भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये कोशिश हो रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की तरफ से। खबरों के मुताबिक पी चिदम्बरम ने सचिन पायलट से फोन पर बात की और सचिन को पार्टी में वापस आने का न्योता दिया, जिसके साथ ही ये भी कहा गया कि बगावत भुला दी जाएगी। हालांकि चिदंबरम ने साफ कर दिया कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं होगी। पायलट को केंद्रीय नेतृत्व में पद देने का आश्वासन दिया गया है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को कहा था कि उनके लिए पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए हैं। श्री सचिन पायलट से कांग्रेस नेतृत्व ने अनेकों बार वार्तालाप और चर्चा की है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी से, कांग्रेस कार्य समिति के कई वरिष्ठ सदस्यों से और कांग्रेस नेतृत्व से, उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट से उन्होंने कई बार मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा भी की है। हम कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों से ये अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हुई है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाजिब हो सकती है, पर राजस्थान व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बड़ा है। सचिन पायलट और सुरजेवाला में फोन पर जो बात हुई, उस बातचीत का सार ये है कि सचिन पायलट से कहा गया है कि अगर आप पार्टी में वापसी कीजिए, आपके और आपके करीबी विधायकों की बगावत को माफ कर दिया जाएगा। बगावत को एक बंद अध्याय के रूप में माना जाएगा। जो भी नोटिस जारी किया गया है उसे टेक्निकली सुलझाया जाएगा। हालांकि पहली जैसी स्थिति बहाल नहीं हो सकती, लेकिन सचिन पायलट को केंद्रीय नेतृत्व में पद देने का आश्वासन दिया गया है। राजस्थान की राजनीति की अच्छी समझ रखने वाले इस सुलह की कोशिश को संदेह की नजर से देख रहे हैं। उसकी वजह भी है, वजह है सचिन पायलट पर सीएम अशोक गहलोत का आक्रामक रुख, जिसमें अशोक गहलोत ने अब खुलकर सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो सचिन पायलट पर ये तंज कसते नजर आ रहे हैं। कोई अच्छी हिंदी इंग्लिश बोल देने से सब कुछ नहीं बन जाता। मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इतनी तकलीफ होती है, ये समझ नहीं पा रहे। इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसी अध्यक्ष बन गए, अगर रगड़े होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। और मैंने ये भी कहा आज हमसे अच्छा काम ये कर सकते हैं। हमारा जमाना तो था कोई कम्युनिकेशन नहीं था, आज तो आईटी आ गया, मोबाइल फोन है, सब मीडिया है, ये हमसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते देश के लिए। देश का फ्यूचर इन पर डिपेंड करता है। ये खुद ही अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सन होना सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। अशोक गहलोत के इसी रुख की वजह से राहुल टीम ने सचिन पायलट को मनाने के लिए प्रियंका गांधी को आगे किया था। अब पी चिदम्बरम का फोन भी इसी कड़ी का हिस्सा कहा जा रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट पार्टी में वापसी करते हैं या नहीं, और करते हैं तो उनका पार्टी में कद पहले जैसा होगा या नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।